इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान पर काम शुरू कर दिया है और इस प्लान के मुताबिक इस साल के अंत तक देश के हर एक शख्स को टीका लग जाएगा। इस तरह से फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है कि ढाई महीने के अंदर हमारे देश में वैक्सीन का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। भारत में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विदेशों से वैक्सीन खरीदने का इंतजार किया गया है। सबसे पहले रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ढाई महीने बाद जुलाई से हमारे देश में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो इस साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य है, यानी कि देश भर की पूरी आबादी जो है वो कवर की जा सकेगी अगर इतनी वैक्सीन का निर्माण हो जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा देश लगभग 80-90% तक की जो आबादी है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक उम्मीद अब ये भी है कि बच्चों के ऊपर भी वैक्सीन ट्रायल को लेकर काम शुरू हो चुका है और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर बच्चों को भी शायद वैक्सीन लगाई जा सके। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगस्त के बाद देश में कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन फुल स्केल पर होने लगेगा। नीति आयोग के मुताबिक अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में कोरोना वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इनमें से ज्यादातर वैक्सीन का प्रोडक्शन अपने देश में ही होगा। अगस्त से दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज मिलेंगी और इसी तरह बायो ई वैक्सीन की 21 करोड़ डोज, नोवैक्स वैक्सीन की 20 करोड़ डोज, रूस में डेवलप स्पुतनिक वैक्सीन की 15 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। यही नहीं, जाइडस वैक्सीन की 5 करोड़ डोज, जिनोवा वैक्सीन की 6 करोड़ डोज मिलने लगेंगी। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआती 3 महीने तक देश में 300 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगे। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 मंथ्स विल बी मेड इन इंडिया, फॉर इंडियन, फॉर इंडिया, फॉर पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। एंड आई कैन अश्योर यू दैट इफ आई एक्सटेंड दिस एस्टिमेट टू अर्ली फर्स्ट क्वार्टर, दिस नंबर इज 3 बिलियन, पॉसिबली 3 बिलियन डोजेस। हालांकि हमारे यहाँ 17 करोड़ वैक्सीन भी सबसे कम वक्त में लगा है। सिर्फ मई के महीने की बात करें तो मई में अब तक 3,68,00,000 वैक्सीन राज्यों को मिल चुकी है, जबकि 3,62,00,000 वैक्सीन मिलने वाली है, यानी कि मई में देशवासियों के लिए 7,30,00,000 वैक्सीन दी जाएगी। मई के महीने के लिए फ्री डोजेस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स एंड यूटीज 1.65 करोड़। फैक्चुअल, आई विल जस्ट रीड द फैक्ट्स। फ्री डोजेस in the pipeline to be supplied by Government of India to states and UTs 2.35 crore. Doses directly procured by states and UTs 1.23 crore. Doses directly procured by states and UTs but currently in pipeline 1.27 crore. Doses directly procured by private hospitals 0.80 crore, 80 lakh doses. And for therefore, putting it all together in the month of May, 7.30 crore doses are available for the vaccination program. रूस में डेवलप स्पुतनिक वैक्सीन अगले हफ्ते भारत में लगने लगेगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भारत आ गई है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन जुलाई से शुरू हो जाएगा। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कर रही है। रूस में इस वैक्सीन को पिछले साल अगस्त में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। भारत ने 12 अप्रैल को इसके यूज की मंजूरी दी। स्पुतनिक वैक्सीन के 92% तक असरदार रहने का दावा किया गया है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया
रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलकर एक अच्छा वैक्सीन बनाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।